बहती धारा। पर्वत से उतरता पानी ही तो उसे धरती से जोड़ समुद्र तक ले जाकर माटी के जीवन का एक चक्र आरंभ कर देता है। माटी के रंग का सत्य, माटी की अलग अलग स्थिति, बदल जाता है माटी का रूप, विनष्ट हो जाता है माटी का स्वरूप, छूट जाता है माटी का चोला, नई यात्रा शुरू होती है माटी को माटी से मिला देने की। राम नाम सत्य। ये कौन सा सत्य है जो उस कुम्हार को ही माटी बना देता है, जो निर्जीव माटी से कितने ही नूतन रूप को गढ़ नया जीवन दे देता है। मेरे पिताजी अब नहीं रहे। आओ आओ, देख लो अपने बच्चे का मुंह, एकदम तुम जैसा है। ओट खाली माँ के जैसे है। अरे काकी, ये तो एकदम बंदर जैसा दिखता है। क्या मैं बंदर जैसा लगता हूँ? जब तू पैदा हुआ था तो तू भी बंदर के जैसा ही लगता था। तो फिर ये बंदर आदमी कैसे बन गया काकी? बहुत मेहनत करवाई तूने अपने बाप से। भैया बहुत चीवट वाले आदमी थे। तब तो काकी, इस बंदर को आदमी बनाने के लिए मुझे भी बहुत जीवट से काम करना होगा। पता नहीं लोग क्यों गोद में बंदर दे देते हैं, इतना भी नहीं सोचते कि बेचारे बाप को कितनी मेहनत करनी होगी। हाँ, कितनी मेहनत करनी होगी। लोग 9 महीने पेट में चूहा रख कर दिखाए तो जानू। मुंह बंद कर ले अपना, मैं को लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे काकी, कुल दीपक दिया है तो मुंह तो बंद करके ही रखना होगा ना। हाँ कुलदीपक, चलो बैठ जा चाक पर, माटी के लौंगे को एक सुंदर रूप दे दे। अरे ना। राम नाम सत्य। ले जा रहा हूँ उस कुम्हार को ही माटी की गोद में रख दे, जिसने सहारा दे मुझे माटी पर पहला डगमगाता पैर रखना सिखलाया था। अरे वाह भाई वाह, सीताराम भैया तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। वाह भाई वाह, देखो कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है। अरे देखो कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है, टिक टिक टिक। अरे देखो कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है। चलो चलो, राम नाम सत्य, राम नाम। जिसकी आंखों में मेरे हर उठते रखते कदम से खुशी की चिंगारी सुलग उठती थी, आज नहीं रहे मेरे वो बाबा। राम नाम। बहुत कठोर मालूम होता है महसूस करना कि जिसे कांधे पर उठा हम सदा सदा के लिए पंच तत्व में लीन कर देने को शमशान ले जा रहे हैं, वो कभी सजीव भी था, जिसने मुझे मात्र प्राणवंत मांस पिंड रूपी शिशु से सजीव चेतन मनुष्य का रूप दे दिया था। टिक टिक चले घोड़ा, चले टिक टिक, टिक टिक चले घोड़ा, चले टिक टिक,
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की राम नाम सत्य। अब नहीं रहे मेरे वो बाबा सत्य, राम नाम सत्य। नश्वर है शरीर, क्षणों की सीमित अवधि में ही सांस लेता है पार्थिव जीवन, तो फिर क्यों ले गए थे बाबा मुझे पाठशाला में क्षर जीव को अक्षर का ज्ञान। अब नहीं रहे मेरे वो बाबा। अ आ ई ई उ ऊ, फिर से अ आ ई ई। नमस्ते, आइए आइए आइए, बहुत देर कर दी, मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर जी आप तो जानते ही हैं, घर में सुबह से ही पूजा पाठ का चक्कर चल रहा था। अच्छा ठीक है ठीक, बिराजी बिठा जी, बैठो। देखो बेटा अभी मास्टर जी की पूजा करता हूँ। स्वीकारिए मास्टर जी। आओ बेटा, आ जाओ मास्टर जी, अब ये बच्चा आप ही का हुआ, जड़ जीव से चेतन ज्ञानी प्राणी बनाना अब आपका ही काम है, आपके पिताजी ने ही मुझे पढ़ाया था। जहां तक हो सकेगा आप तो जानते ही हैं कि मैं मेरी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, मेरे पिताजी मेरे दादाजी ये काम यही करते थे और इसी काम का जिम्मा मुझे सौंप दिया। बस मास्टर जी, कुछ जिम्मा आपका और कुछ जिम्मा मेरा। चलो बेटा मास्टर जी के साथ अब पढ़ाई शुरू करो, मिठाई बच्चों में बांट दो। बाय, मुझे आज्ञा दे मास्टर जी। पढ़ा मेरे एक एक अक्षर के बढ़ते ज्ञान को अपनी ही अनूठी उपलब्धि समझ जो आनंद से विभोर हो उठते थे। आसमान पे लाली छाई, भोर का सूरज निकला, छोड़ घोंसले पाखी निकले सोई धरती जगाने। अब नहीं रहे मेरे वो बाबा। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तपते सूरज की गर्मी से बहते लावा की तरह चलते रास्ते पर कहीं मेरे पांव झुलस न जाएं, इसलिए बिना नागा पाठशाला के दरवाजे से ही वे मुझे अपनी गोद में उठा लिया करते थे। काली छतरी के नीचे है नीम की ठंडी छांव, गोद में बाबा के नहीं जलता नरम सुकोमल पांव। मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? आज उसी नीम की छांव को अग्नि के हवाले करने को ले जाते समय मन में ये दर्द क्यों नहीं उठता कि उन्हें आग की लपटों में जलने की तीव्र पीड़ा होगी। अब नहीं रहे मेरे वो बाबा। राम नाम। पहला दिन था वो आषाढ़ का, आओ सितारा मैया। जब बाबा ने मेरा हाथ हल्की मूठ पर रखा था, हल चलाने का गुर सिखाया था, चला जमा के लाइन पे चल, चला मरिया 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 चा मरिया मरिया हाउ हाउ। खेत से मेरा रिश्ता जोड़ दिया था, उठती आंधी चढ़ते बादल बरसते पानी का मरम सिखाया था। खेत तो तैयार हो गया, अब बीज कब बोएंगे? पूस पुनर्वस बुना धान, असले सा मगधा का दोसान। पूस पुनर्वस बुना धान, पुष्य और पुनर्वस नक्षत्र में यानी आषाढ़ सावन में धान का बीज बोना चाहिए और फिर पौधे को लगाने के लिए सावन के अश्लेषा मगधा नक्षत्र में खेत का कादो पौधे को रोपने के लिए तैयार करना चाहिए। आपको इतना कैसे याद है? बेटा हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान अपने अनुभव को इसी तरह दोहे चौपाई और पहली बुझवल में रख दिया।
ताकि हमें हंसते खेलते इन सब बातों का ज्ञान हो जाए। अब तो तुम्हें भी बहुत कुछ याद हो गया होगा। हाँ, कुछ तो याद हो ही गया है। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। सावन मास बहे पुर भैया, बेच बैल की नहा गैया। सावन के महीने में जब पुरबैया चलती है तो फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए बैल की जरूरत नहीं रहती, इसलिए बैल को बेचकर गाय खरीदनी चाहिए। और सुनाओ। जे दिन भादो पछिया चले, से दिन माघ पाला पड़े। शाबाश बेटा, शाबाश। सावन मासे बह पुरबैया, बेच बैल की नहाइया। बेटा, जो ज्ञान का भंडार मुझे मेरे पूर्वजों से मिला, उसी तरह इस ज्ञान को अब तुम्हें मुझसे सीखना होगा और तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को पहुंचाना होगा। इसलिए ध्यान से इस दोहे चौपाई और पहली बुझवल को ध्यान से सुना करो और सही सुर में गाया करो। फिर से गाओ। जे दिन भादो पछिया चले, से दिन माघ पाला पड़े। राम नाम सत्य, राम। और आज ज्ञान के उस जीवंत भंडार को ही अपने हाथों से फूंक देने जा रहा हूँ। राम नाम। क्या बेटा, कादो तैयार कर दिया? हाँ बाबू, कल से रोपाई शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तुम्हें बचपन में धान की रोपाई के लिए एक दोहा याद कराया था, याद है अभी? कादो पर? हाँ 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 बाबू, याद है। सुनाओ सुनाओ। पूस पुनर्वस बुना धान, असले सा मगधा का दोसान। सबस सबस सबस। पूस पुनर्वस बुना धान, असले सा मगधा का दोसान। राम नाम सत्य, राम नाम। तो फिर अब कौन बताएगा गुर की ये बातें? अब नहीं रहे मेरे वो बाबा। राम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम, राम नाम। दोनों की जन्म पत्री मिलवा ली है ना? अरे पत्री वत्री तो ठीक है, लेकिन किसी तरह से उस गांव में जाकर लड़की के बारे में पता कर लो। जिंदगी भर का सवाल है। आपके बाबूजी ने मेरे बारे में किससे पता लगवाया था? अब ये सब तो मालूम नहीं, लेकिन पता जरूर लगवाया होगा, क्योंकि उनका बहुत मन था कि लड़की सलीके वाली हो और सुंदर हो। तो चूक गए ना? अरे कैसे चूक गए? खा गए गच्चा, सुंदर लड़की नहीं मिली। अपनी तारीफ सुनने से मन नहीं भरा क्या? अरे चांद जैसी सुंदर तो हो। तो वो लड़की भी लाखों में एक है। अच्छा? बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, लाल सुतवा ओठ, बहुत सुंदर है। पता नहीं हमारे बेटे से मेल खा पाएगा कि नहीं, जरा पता लगाओ कि बेटे के मन में क्या है। वर रूप में सजाया था, अपने हाथों बांधा था मेरे माथे सात लड़ियों वाला फूलों का सेहरा। आज उन्हीं हाथों में फूल के बदले चिंगारियां रखने जा रहा हूँ। अब नहीं रहे मेरे वो बाबा। राम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम, राम नाम।
विवाह के मंडप के नीचे एक नए जीवन में प्रवेश करने को एक साथी चुन, कुंड की जलती अग्नि में घृत की आहुति दे, खोल दिया था जीवन के आश्रम का दूसरा द्वार, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति। राम नाम सत्य है। आज उसी सक्षम व्यक्ति के शरीर को अग्निरथ पर रख सारे आश्रम परे भेजते मेरे हाथ कांप क्यों नहीं रहे हैं? राम नाम सत्य। अब नहीं रहे मेरे वो बाबा। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य। पूरा जीवन जी लिया था, नहीं बची थी कोई साध, मगर उनसे बिलग हो अपनी जिंदगी जीने को मैं ही तैयार नहीं था। राम नाम सत्य। राम नाम। बाबूजी, मैं शहर जा रहा हूँ बीज लाने के लिए, शाम शाम तक वापस आ जाऊंगा, आपके लिए कुछ ले आऊं? नहीं, बस तुम अंधेरा होने से पहले लौट आना। ठीक है बाबूजी। रघुपति राघव राजा राम। बहुत थके लग रहे हो, रंगैया के यहाँ गए थे? हाँ गया था। सुना था रंगैया की पत्नी बीमार थी, अब कैसी है वो? परेश ने कुछ पूछा कहाँ होगा, क्यों पूछा था? तुम गए तो थे ना वहाँ? गया तो था, मगर वो वहाँ पर मगर बीज का बकाया वसूल करने गया था, इसे किसी और बात का होश ही कहाँ होगा, है ना यही बात? जी, लेकिन ये क्या बात हुई? अरे बात ये हुई कि रंगैया ने बकाया अदा करने में कुछ देर कर दी, बस बन गया उसका दुश्मन। अरे बेटा, दुनियादारी ऐसे नहीं चलती। रंगैया ने जब बीज का बकाया अदा कर दिया ना? हाँ अदा कर दिया। तो फिर तुमने उसके साथ सामान्य व्यवहार क्यों नहीं किया? अरे बेटा, बकाया या कर्ज का असर आपसी रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए, तुम अब बड़े हो गए हो, मेरा क्या है, पका हुआ आम हूं, आज टपकूं या कल, तुम्हें अब अपने आप को अपने हाथ में लेना सीखना चाहिए। बात की बात नहीं और आप टपकने और बैकुंठ जाने की बात करने लगते हैं, मेरा तो मन करता है मैं। फिर शुरू हो गई तुम दोनों की उठापटक, क्यों जी? आपसे पहले तो मुझे जाना है, आपने वादा किया था मुझे सुहागन के रूप में ही नदी के किनारे पहुंचाए आओगे। चलो बेटा, हम लोग अपना गाना शुरू करते हैं, ये लोग तो बस, चलो शुरू करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पूरी जिंदगी जी कर वो चले गए। अफसोस कि मां सुहागिन ही विदा नहीं हो पाई और मुझे जीवन की धारा में अकेले ही तैरने को छोड़ दे। चले गए मगर कभी सिखलाया था पावन नदी के शीतल जल की बहती धारा पर सुला, कभी धारा के साथ तो कभी धारा के विपरीत तैरने का तरीका, नदी के हर छोटे बड़े भंवर से बचने का रहस्य समझाया था। अब नहीं रहे मेरे वो बाबा। राम नाम। ओ माटी दर्पण, हे माटी प्यास है, माटी पानी, चेहरा चेहरा लिखी कहानी, बात वही कहने के ढंग कई रे, एक जात माटी के रंग कई रे। ओ माटी दर्पण, हे माटी प्यास है, माटी पानी, चेहरा चेहरा लिखी कहानी, बात वही
कहने के ढंग कई रे, एक जात माटी के रंग कई रे। संग कई रे, एक जात माटी के रंग कई रे। पांच रंग का ताना बाना, एक ही रंग बना, सात रंग में सकल नगरिया, नौ रंगों में भा। माटी जीवन हो, माटी दर्पण, हे माटी प्यास है, माटी पानी, चेहरा चेहरा लिखी कहानी, बात वही कहने के ढंग कई रे, एक जात माटी के रंग कई रे। माटी के रंग, माटी के रंग, माटी के रंग, माटी के रंग। आज उन्हीं के अस्थि अवशेष को उसी नदी की बहती धारा में छोड़ते लग रहा है कि मेरा तो सारा सहारा ही इस राख के साथ बह जाएगा। अकेले बिना संबल के कैसे मैं जीवन जी पाऊंगा, कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाऊंगा, इस जिंदगी का मतलब क्या है? ऐसे ही एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे ही चले जाना होगा ना? अब जिंदगी का और बोझ सहने की हिम्मत नहीं है, बस बहुत हो गया। ऐसे सिर्फ अपनी बात सोचकर जिंदगी को खत्म करना अच्छा नहीं। एक आदमी ने बाप बनकर, दादा बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया, अब वही काम मुझे भी करना होगा। चलो सीतारमैया, अपना अधूरा काम पूरा करो। बीज पेड़ बने, इसके लिए बीज को सड़ना ही पड़ेगा, सब कुछ भोगना ही होगा। नदी की धारा की तरह सर्दी गर्मी बरसात में सब कुछ झेलते हुए बहते ही रहना होगा, बहते ही रहना होगा, बहते ही रहना होगा।